हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये आपके सामने बता रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए 2/8, इसका बिल्कुल सिंपल है, एडिटिव इनवर्स होगा, सिर्फ माइनस का साइन लगाना है। इसका अपोजिट होता है माइनस के 2/8, यहाँ पे माइनस के 5/9, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस, चूँकि इसमें पहले से ही है, माइनस पहले से है, इसलिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 5/9। उल्टा होता है एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे देखिए माइनस के 6/-5 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6/5, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस के 6/5। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखिए एडिटिव इन्वर्स, हिंदी में इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए 2/-, के नाम इसमें माइनस के 9 पहले से ही है, क्योंकि इसको माइनस होना है, इसलिए 2/-, प्लस हो जाता है, तो 2/9। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 19/-6, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 19/6, क्योंकि माइनस एडिटिव इन्वर्स में माइनस होता है, तो माइनस ये पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19/6। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में ना आए तो फिर कमेंट कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इजिकल टू एक्स। ये हमें वेरीफाई करना है, किस तरह से करेंगे देखिए। यहाँ पे माइनस LHS लेंगे, LHS -x, माइनस चूँकि x का वैल्यू हमारे पास दिया है 11/15, तो यहाँ x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस, ये तो एज इट इज पहले से है, इसके अंदर फिर माइनस है ये वाला, और यहाँ पे 11/15, यहाँ लिखेंगे x की जगह पे 11/15। यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 11/15, ये वैसे भी प्लस का ही माना जाता है। अब लेंगे हम RHS, राइट हैंड साइड, RHS में सिर्फ x, तो x का वैल्यू तो हमारे पास है ही 11/15, तो वेरीफाई हो गया हमारा LHS इजिकल टू RHS, LHS इजिकल टू RHS वेरीफाई हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे सामने, यही कर दूँ, इक्वल टू x, x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -13/17, यहाँ से हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, राइट हैंड साइड ये होता है, तो यहाँ देखिए माइनस और यहाँ पे माइनस एक्स, चूँकि एक्स का वैल्यू नेगेटिव है पहले से ही, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाला माइनस तो पहले से है, ये वाला माइनस भी लिख लिया है, अब एक्स का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में माइनस के 13/17 लिखेंगे, चूँकि ये छोटा वाला ब्रैकेट लग चुका है, तो यहाँ पर ये वाला करली ब्रैकेट हम यूज कर लेंगे इसमें। अब यहाँ से देखिए इसको सबसे पहले हम या तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसको खोल लें, या पहले इसको खोल लें, यहाँ पे अंदर कर लेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ देखिए ये माइनस एज इट इज रहेगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस को लिखा नहीं जाता, 13/17, और यहाँ पर अब ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, तो हो जाएगा माइनस के 13/17। अब लेंगे हम RHS, RHS में सिर्फ x है, तो x का वैल्यू तो हमें पता ही है, माइनस के 13/17, क्योंकि LHS
इज इक्वल टू आर एच एस, तो यहाँ लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच। ये हो गया तुम्हारा वेरीफाइड है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये लो बस, ठीक है।